हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर जब आप लोग कोई भी वीडियो को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर WhatsApp एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके फ़ोन पर अगर अपडेट नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर में जाके WhatsApp के एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, तो इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो एक ये वजह भी हो सकता है कि जो भी वीडियो आपको व्हाट्सएप पर किसी ने भेजे हैं तो वो जो वीडियो है वो आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। तो चेक कर लीजिएगा एक बार। बाय द वे, मैं यहाँ पे आपको एक सेटिंग करके बताता हूँ जिसको आप लोग अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेटिंग को ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ना व्हाट्सएप लिख के सर्च कर लेना है। इस तरीके से आप लोग व्हाट्सएप लिखिए और उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको परमिशन में जाना है। परमिशन में जाने के बाद यहाँ से आपको जो भी परमिशन मांगता है, आपको जो भी परमिशन मांग रहा है, चाहे वो फ़ोन का परमिशन हो, सभी परमिशंस को आपको यहाँ पर अलाउ कर लेना है इस तरीके से क्लिक करके। तो अलाउ कर दीजिएगा, तो इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप लोग इसको जो है ठीक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है फिर भी शो नहीं करता है और आपको ज़रूरी है उसको देखना, तो आप लोग यहाँ पर ये सारी तरीके अप्लाई करके देख सकते हैं, इससे आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।